तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर। जी हाँ, एसक्यूएल सर्वर की हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने रवि जी आपको समझाया था कि एसक्यूएल सर्वर क्या है, क्या क्या कैसे होता है, क्या इंस्टॉल करना है, कैसे ओपन करेंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए आप मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करते हैं। यहाँ से देखिए, एसक्यूएल सर्वर में दो तरह की चीजें चलती है। पहला क्यूरी, मतलब कि ये कहिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा करेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब सी सी जी आई एंड जी ए आई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब कि आप बटन पे क्लिक वगैरह करके भी चीजें कर सकते हैं, या फिर क्यूरी क्लिक के भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले जब मैनेजमेंट स्टूडियो खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप आएगा, ठीक है। तो पॉपअप में जब आते हैं तो सबसे पहले आता है डेटाबेस टाइप, कि आपके पास सर्वर का टाइप क्या है, क्या वो डेटाबेसेस है, या एनालिसिस सर्विस है, या रिपोर्टिंग सर्विस है, या इंटीग्रेशन सर्विसेज है, या एजुरे के SSIS इंटीग्रेशन रन टाइम है। तो जनरली डेटाबेस इंजन होता है, लेकिन कई कई केसेस में जो है एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज भी होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम डेटाबेस इंजन की बात कर रहे हैं। डेटाबेस इंजन में आते हैं, यहां जो आप देख पा रहे हैं आईपीटी, ये आईपीटी क्या हो गया, ये आईपीटी मेरा कंप्यूटर का नेम हो गया। मान लीजिए लोकल होस्ट है, इसलिए अगर ये आपका क्लाइंट सर्वर होता तो यहाँ पे पूरी की पूरी पाथ होती कि डबल स्लैश उसका आईपी एड्रेस स्लैश वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट में जो एसक्यूएल एक्सप्रेस दिख रहा है, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा आपके सर्वर नेम। तो मैंने इंस्टॉल करते समय सर्वर नेम चेंज किया नहीं था, इसलिए बाय डिफॉल्ट एक्सक्यूएल सर्वर आ गया, एक्सक्यूएल एक्सप्रेस आ गया। उसके बाद यहां जो आता है विंडो एथेंटिकेशन। अभी क्या है कि लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट का मतलब ये हुआ कि मेरे सिस्टम पे ही मेरा सर्वर है, मेरे सिस्टम पे ही मेरा सर्वर है, चलो इसलिए मेरा जो डेस्कटॉप मतलब कि जो मेरा विंडोज है उसकी जो पासवर्ड वगैरह डालता है वही इसकी ऑथेंटिकेशन होगी, अलग से कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होगा। लेकिन ये चीजें कंपनी वगैरह में नहीं होगी, कंपनी वगैरह में यहाँ पे आपको इसको ऑथेंटिकेशन डालना पड़ेगा, या फिर जो भी आपके पास होंगे वो डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अगर एसक्यूएल किया तो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आया। उसके बाद जैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही यहाँ आ जाएंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि एक सर्वर में कई सारे डेटाबेसेस, और कई सारे डेटाबेसेस में क्या होता है, कई सारे टेबल्स होते हैं। तो देखने के लिए आप इसको क्लिक कीजिए डेटाबेसेस में। इसके बाद यहाँ पे आप या सिस्टम डेटाबेस है एक आपका, ये आपका डेटाबेस नाम, दो बाय डिफॉल्ट आता है सिस्टम डेटाबेस और डेटाबेस स्नैपशॉट। अब सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, सिस्टम डेटाबेस में बताता है कि कब कब आपका सिस्टम टेबल और क्या हुआ है, तो जो भी होता है इसके अंदर वो सब यहाँ पे समझाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा है सर कि सर, मॉनिटर ये डेटा फॉर इसमें दैट, इनबिल्ट रहता है क्या पहले से? ये इनबिल्ट होता है आपके सिस्टम में, देखिए इनबिल्ट होगा, ठीक है। ओके देखो इसके ऊपर हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं अपना खुद का डेटाबेस, जो कि डीटी दिख रहा है, खुद का डेटाबेस है। तो खुद का डेटाबेस तो मैंने बनाया, आप कैसे बनाएंगे खुद का डेटाबेस? तो चलिए डेटाबेस पे रखिए कर्सर, राइट क्लिक कीजिए और ऊपर दिख रहा है न्यू डेटाबेस। अब इस न्यू डेटाबेस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहां आता है अपना डेटाबेस नेम। तो मैं यहां पे आईपीटी डेटा नाम से बना देते हैं, ठीक है। और ऑनर कौन सा है, तो डिफॉल्ट है। ऑनर का मतलब हुआ कि आप यहां क्लिक करके अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा ऑनर होगा ब्राउज करके, ठीक है ना। यहाँ पे तो जितने भी आपके जो विंडोज होंगे यूजर आईडी वगैरह होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि भाई आईपीटीएन जो दिख रहा है ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है सर, ये मेरा यूजर आईडी है, यहाँ पे ये देखा है आपको सर IPTIN। तो अगर क्लिक कर दिया तो ऑनर मैं रहूंगा, मतलब कि सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें कब होती है, जब आपका सर्वर क्लाइंट सर्वर होता है। लाइन से फिलहाल तो है नहीं, तो यहां डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, डिफॉल्ट छोड़ दीजिए।
ठीक है। अब एक साथ कई सारे डेटाबेसेस बना सकते हैं, ऐड क्लिक कीजिए एक और डेटाबेस बन जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं एक ही बना रहा हूं इसलिए जस्ट ओके कर रहा हूं। ओके करते एग्जीक्यूट हुआ, अब देखिए यहां पे आईपीटी डेटा बन के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम डेटा कैसे लाए, इसके अंदर डेटा कैसे लाए, तो कैसे होगा। तो हम एक बात करते हैं कि एसक्यूएल से, एमएस एक्सेल से डेटा कैसे लोड करें, समझे सर। जी एमएस एक्सेल पे एक डेटा है मेरे पास, उस डेटा को कैसे लोड करें। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आपका एक्सेल डेटा है, जो भी डेटा एक्सेल है आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे कोई डेटा ओपन कर रहा हूँ, ये डेटा है ना 2022 सीट, हाँ इसी डेटा को लेते हैं। तो डेटा जब आप लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उस फाइल को सेव कीजिए डॉट एक्सएलएस एक्स एस पे, मतलब कि 2007 की फाइल नहीं, 2003 की फाइल, या फिर सीएसवी फॉर्मेट, समझे। सीएसबी डॉट एक्सएलएस एक्स में आप करते हैं तो फिर इसका प्रॉब्लम हो जाएगी। डीटीए करके हमने यहां पे सीएसपी फाइल कर लीजिए कॉमा सेपरेटेड, या फिर आप कर लीजिए एक्सेल 2097 से 2003, सेव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि जो आईपीटी डेटा दिख रहा है उसके ऊपर करूंगा राइट क्लिक और जाऊंगा टास्क। टास्क के अंदर यहां आपको दिखेगा, इम्पोर्ट। अब यहाँ पे इम्पोर्ट फ्लैट फाइल आती है। फ्लैट फाइल क्या होती है, जैसे किसी से आपने डेटा मांगा, ठीक है ना, तो डेटा आपको देने कई चीजें, वो सीएसवी में डेटा दे देगा, वो आपको एक्सेस में दे देगा, वो आपको एक्सेल में दे देगा, ये सब चीज छोटे मोटे डेटा हो गई। जब बड़ी डेटा होती है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख का डेटा होती है, तब तो मुश्किल हो जाएगा एक्सेल में डेटा देना। तो उस केस में फ्लैट फाइल, जो कि एसक्यूएल की फाइल टाइप से समझ लीजिए, फ्लैट फाइल में आता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक्सेल फाइल है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम डेटा सोर्स सेलेक्ट करेंगे कि मेरा डेटा का सोर्स क्या है। तो मैंने बोला कि मेरा एक्सेल है, अब एक्सेल में हम यहाँ से ब्राउज करते हैं। ब्राउज करके हमारा जो एक्सेल फाइल है डीटीए, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ओपन करते हैं। अब यहां पे करते हैं नेक्स्ट। अब यहां होता है डेस्टिनेशन। अब कुछ लोग डेस्टिनेशन में भी एक्सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, जी नहीं, डेस्टिनेशन में आपको सेलेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर। और यहां पे डॉट नहीं, हाँ इंटरवेश, ये रहा एसक्यूएल सर्वर, दिख रहा है ना। फिर कीजिए नेक्स्ट। एक मिनट, एसक्यूएल सर्वर नहीं लिया, अच्छा ये रहा ओएलईडी, ये रहा ये रहा ये रहा, ऊपर वाला कलर सेलेक्ट कर लिया हमने, प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर ओएलईडीबी। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, क्या ऑथेंटिकेशन है, क्या विंडो ऑथेंटिकेशन है, या फिर आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड लेना होगा। उसके बाद पूछ रहा है डेटाबेस, किस डेटाबेस में आप ऐड करना चाहते हो, बीटी या फिर आईपीटी डेटा। तो मुझे आईपीटी डेटा में चाहिए, तो आईपीटी डेटा हमने सिलेक्ट किया। फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे कॉपी डेटा फॉर वन मोर टेबल व्यूज या राइट द क्यूरी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेटा ट्रांसफर, मतलब कि यहाँ आप सीधे कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं नया टेबल बना के, या आप किसी और टेबल में जाने के बाद क्यूरी लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्यूरी लिखने का ऑप्शन देगा, लेकिन फिलहाल तो हमने क्यूरी पढ़ा ही नहीं है, क्या तो हम इसको बैक करते हैं और यहां पे हम कॉपी करते हैं। अब कौन सा सीट है, तो हमने सीट में यहां पे सीट वन सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट, रन इमीडिएटली करना है या फिर कोई पैकेज वगैरह बाद में करना है पासवर्ड वासवर्ड डाल के, तो नहीं, हमें रन तुरंत करना है, तो यहां पे हमने नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। फिनिश करते हैं, यहां दिखेगा सक्सेस, यहां पे दिखा दिया 3, 4, 6 रोज जो है ट्रांसफर हो गया है। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल 11 चला है,
कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सक्सेस जैसा आएगा सारा। ठीक है, अब यहां पे कीजिए क्लोज। एक्सेल का डेटा अब इसमें आ जाएगा। हाँ, अब देखिए टेबल में एक टेबल बन के यहाँ पे आ गया, डेटा सीट वन डीटीओ डीवीओ डेटाबेस ऑब्जेक्ट सीट वन। ठीक है, अब मुझे देखना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट 100 कीजिए। सिलेक्ट 100 करते ही आप देखेंगे यहां पे आपके पास आ गया। ठीक है सर, ओके सर। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा डेटाबेस सीएसपी फॉर्मेट में होता तो, सीएसपी समझते हैं ना, या फिर हमने बताया कि 2007 का ही होना चाहिए, तो पहले सीएसपी कर लेते फिर करते। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम एक्सएलएस में डेटा नहीं देगा ये एक्सएलएस। मैं वो भी बताता हूँ, समझाता हूँ सर, भी समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए। वन बाई वन चले सही रहेगा। एक्सएलएस में आपको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। सेव, ब्राउज, माय डॉक्यूमेंट में ही जाते हैं और यहां पे हम सिम डीटीए कर देते हैं और यहां कॉमा सेपरेटेड फाइल सीएसवी कर देते हैं। ये नीचे है क्या? ये रहा ना सीएसवी यूटीएफ8। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रहा कॉमा डिलिमिटेड, सेव एंड सेव। अब इसमें हम करते हैं राइट क्लिक टास्क, इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट। अब यहां पे आता है सोर्स डेस्टिनेशन। अब सोर्स डेस्टिनेशन में यहां हमें फ्लैट फाइल, अब इसमें सीएसवी फाइल कैसे आएगा? नेटिव आ गया, एसक्यूएल सर्वर प्रोवाइडर सर्च ओरिकल, ओरिकल का डेटाबेस है वो आ जाता है, एलएससी सर्विसेज का डेटा आता है, ओएलबी है, एक्सेल है, ये आपका एमएस एक्सेस है, फ्लैट फाइल है और डॉट नेट ओडीबीसी एसक्यूएल सर्वर। एक्सेल पे ही लेके चलते हैं। हमें तो हमेशा एक्सेल में ही रखना है ना इसको, डेटा सोर्स को। नहीं, अभी फिलहाल हमने एक्सेल, मैं कुछ एक्सेल में भी आ कर रहा ये कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है। राइट क्लिक टास्क इंपोर्ट डेटा नेक्स्ट। हाँ, अब आएगा यहाँ पे सीएसपी के लिए डायरेक्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब जैसे कि आपने बोला कि अब यहां पे देखिए 2000 एक्सेल 2016 हम सिलेक्ट करते हैं ना, और ब्राउज करते हैं, और मान लीजिए कोई भी एक्सेल 2016 का फाइल लेते, जैसे ये तो एक्सेल, जैसे डीटी है, ए फाइल है, यहाँ पे लिया, हम ओपन किया। अब देखिए डॉट एक्सएलएस एक्स है, अब जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एरर है, क्योंकि इसके अंदर में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एसीई डॉट ओएलडीबी 6.0 इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है सिस्टम डेटा लोकल मशीन में। अब आपको इंटरनेट से जाके इसकी डीएलएल फाइल को लाके फिर इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये लेगा। समझे सर? तो सर मेरे पास तो लेटेस्ट ही है एक्सेल, ये तो फिर लेगा नहीं वो डेटा। एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर उसको सेव एज करना पड़ेगा डॉट एक्सेलएस एक्सेलएस में। अच्छा, हम फाइल की बात, हम फाइल टाइप की बात कर रहे हैं अभी आपके सामने। मेरे पास लेटेस्ट एक्सेल है, लेकिन मैंने क्या किया था, फाइल को चेंज कर दिया था। अच्छा, मान लीजिए इसको अगर हम 2003 पे कर देते हैं
फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम देगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसमें हम सीएसवी फाइल लेते हैं, रुक जाइए। इसके अंदर क्या करते हैं, सीएसवी फाइल जो हमारा है, ऑल फाइल सिलेक्ट करते हैं, ये रहा सीएसपी फाइल, दिख रहा है ना आपको, कॉमा सेपरेटेड फाइल, इसको सिलेक्ट किए एंड ओपन। अब करते हैं नेक्स्ट, नहीं, द फाइल फाइल कंटेन द एक्सेल फाइल, प्लीज प्रोवाइड द ए। अब प्रॉब्लम आएगी, इसमें सीएसपी फाइल वगैरह भी अपलोड नहीं किया सकता, एक ग्राफिकल, क्योंकि ये है ना। लेकिन जब हम क्यूरी लिखेंगे ना सर, तो क्यूरी में हर तरह के फाइल को आसानी से किया जा सकता है, समझे। ओके क्यूरी जब लिखेंगे तो, क्योंकि इसमें ग्राफिकल इंटरफेस में क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशन होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एमएस एक्सेस का डेटाबेस है, अब एमएस एक्सेस डेटाबेस को हम लेते हैं। अब यहां से हम एमएस एक्सेस डेटाबेस चूज करते हैं, जो भी डेटाबेस हमारे पास है, लेकिन ए भी आपका एमडीबी फाइल ही लेगा, क्या लेगा, एम डी बी फाइल। ठीक अब डेटा फोर लेके ओपन करते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं, तो देखिए दिख रहा है सर। तो आपको एमएस एक्सेस की फाइल को भी एमडीबी लेना पड़ेगा, समझे। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास स्टूडियो 2018 है, आपने 19 डाउनलोड किया है ना सर, मेरे सिस्टम में तो 19 है। तो चलिए हम भी 19 करते हैं, देखते हैं 19 में फीचर्स जो है चेंज हुआ या नहीं। क्या एक बार मैं दिखा दूं मैंने कौन सा किया है। हाँ वही होगा, आपने लेटेस्ट आएगा ना, वहां से लेटेस्ट ही आता है, यही है। हाँ ये 19 है ना, ये रहा 19, 19.0। 19.0 ये अपग्रेड होता रहता है क्या वर्जन। हाँ सर, सर्वर भी अपडेट होते रहता है। सर आपका कोचिंग सेंटर भी है क्या दिल्ली में। बराबर ऑनलाइन करते हैं सर, 2010 तक था, 7 से 10 था, उसके बाद ऑनलाइन कर दिया पूरा सर। हम इसको इंस्टॉल करते हैं,
अभी आप क्या करें कि एक्सेस में, जैसे एक्सेस की बात हो रही थी, चलिए एक्सेस पे इतना इंस्टॉल हो रहा है, एक्सेस पे आता है, ठीक है। अब जैसे एक्सेस की डेटा है, एक्सेस की डेटा, आपकी डेटा दिख रहा है, मुझे इस डेटा को लेके जाना है, इस फाइल को मुझे सेव एज करना पड़ेगा किसमें, ये दिख रहा है आपको सर, जी 2002 से 2003, ये इस फाइल फॉर्मेट में दिख रहा है, यस एक काम करता हूँ, इसमें करता हूँ डी में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने डेटाबेस किसमें, जो मैंने बंद हो गया, उसे बंद कर दिया, टास्क डेटा नेक्स्ट, डेटा सोर्स में हमने सेलेक्ट कर लिया एमएस एक्सेस, ब्राउज करें किसमें, डी ड्राइव, डेटा फोर दिख गया, फिर करते हैं नेक्स्ट, बीच में आईडी पासवर्ड है तो मेरे में तो आईडी पासवर्ड है नहीं, तो हम करते हैं नेक्स्ट, नहीं ये क्या हो गया, एक IPT IN, ये तो सर आपका पर्सनल हुआ है, यूजर नेम और पासवर्ड। ये क्या हो गया, यूज द एडमिन और मशीन IPT दैट प्रोवाइडेड, नहीं इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये बिंदु ऑटोमेशन पर नहीं जाएगा, इसे पासवर्ड डालना पड़ेगा। एडवांस में जाते हैं, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। अब जो है खोलते हैं इसमें हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, यहां दिख रहा है 9, और ये पूछा इंपोर्ट करने के लिए कि इंपोर्ट एसएस 18 में इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर डॉन इंपोर्ट, तो फिलहाल हम डॉन इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्टिंग में टाइम लग जाएगा ना, इसलिए यहाँ करते हैं कनेक्ट, कनेक्ट हो गया डेटाबेस IPT, और यहाँ पे टास्क पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट डेटा, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हम एक्सेल सेलेक्ट करते हैं, ब्राउज करते हैं, इस डेटा को ले लेते हैं, और
हाँ 2007 2008 ऑटोमेटिक ले लिया ना सर, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ भी वही है कि 0.2.0 नहीं है, ठीक है ना। एसी ओडीबी जो है प्रोवाइडर जो है इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, पहले इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हम 16 सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे 6.0 रजिस्टर्ड नहीं है। अब इसको रजिस्टर्ड करना होगा, ये आपको भी सेम प्रॉब्लम दिखाएगा, आप देखेंगे तो, ठीक है ना सर। अब इसको ये समझा रजिस्टर्ड नहीं मैं, ये 16 क्यों मतलब लिया आपने? 16 मतलब लेटेस्ट है ना, हमारे पास लेटेस्ट वर्जन का एक्सेल है ना सर, है तो टू अच्छा थाउजेंड ट्वेंटी ये वन बट एसक्यूएल, 16 तक का आप डेट दिख रहा है, ठीक है। ठीक है ना, इसलिए। लेकिन फिलहाल आप डॉट एक्सएलएस एक्स को ही लेके चले, क्लियर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस में प्रॉब्लम है, उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरा विंडो का चलेगा। अब विंडो में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो विंडो का है वो पिन है, क्योंकि मेरा विंडो ऑनलाइन है, तो विंडो में पासवर्ड नहीं है, पिन है। पासवर्ड हमारा जो है वो ऑनलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट है उसका पासवर्ड इसमें डला हुआ है। अब यहाँ पे पिन डलेगा या माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड डलेगा, ये चेक करना पड़ेगा, समझे सर, ओके ठीक है। लेकिन ये सब चीजें, ऐसी सब प्रॉब्लम कब आ रही है, जब हम यूज कर रहे हैं ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब कि हम राइट क्लिक करके बटन से यूज कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज को हम क्यूरी से करेंगे, इसी चीज को हम डायरेक्ट एसक्यूएल के वीवीए प्रोग्रामिंग, एक्सेल के वीवीए प्रोग्रामिंग से करेंगे, हम इसी चीज को हम डायरेक्ट एमएस एक्सेस की प्रोग्रामिंग से करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, समझ गए। तो डेटा इंपोर्ट जो कराएंगे वो क्वेरी के थ्रू कराएंगे। जी, मोस्टली क्यूरी के थ्रू ही इंपोर्ट होता है, क्योंकि आप ओके ग्राफिकल इस पे आते हैं इंपोर्ट कराने के लिए, तो प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, कंपनीज के अंदर में डेटा एसक्यूएल पे हम इंपोर्ट नहीं कराते हैं, पहले जान लीजिए। एसक्यूएल हमारा बैकएंड होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होगा ना, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, जो भी आपकी सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली आपका एसक्यूएल सर्वर इंटीग्रेटेड होगा, समझे। ओके ऑलरेडी क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा। तो आपको डेटाबेस बनाना या टेबल बनाना ये चीजें नहीं करना होगा, मोस्टली आपको क्यूरी पे काम करना होगा। लेकिन फिर भी टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, डेटा लोड करना इसलिए सिखा रहे हैं कि इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ गई तो, समझ रहे हैं सर, इन फ्यूचर में कभी आपको इसकी जरूरत पड़ गई तो ये चीज पता होनी चाहिए, समझे सर। ओके तो आप जो है टेबल बनाइए और टेबल बना के इसको लोड कराइए,